हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम कक्षा 5 का इंग्लिश पढ़ेंगे स्वाध्याय पोथी में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। देखो, हमको शब्दों को उचित क्रम में लिखकर वाक्य लिखना है। देखिए, फर्स्ट नंबर है, एग्जांपल हमको दिया गया है, न्यूज़पेपर ए रोहित भाई रीडिंग इज। तो हमको लिखना है इसका सीधा वाक्य बना के, क्योंकि ये उंधा सीधा दिया गया है। इसमें लिखा है न्यूज़पेपर ए रोहित भाई रीडिंग इज, तो हमको इसको सुधार कर लिखना है रोहित भाई इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ओके स्टूडेंट्स, रोहित भाई इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। सो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर, हैज ए प्रिया बास्केट। इसको हम अच्छी तरीके से लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे प्रिया हैज ए बास्केट। प्रिया के पास एक बास्केट है ना स्टूडेंट्स। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2। ब्रदर राज इज नितिन सर। देखो, इसमें भी हमको उल्टा क्वेश्चन दिया गया है। इसके आंसर में हम राइट लिखेंगे, हम लिखेंगे राज इज नितिन स ब्रदर। राज क्या है? नितिन का भाई है, इसलिए हम लिखेंगे राज इज नितिन स ब्रदर। राज नितिन का भाई है ना स्टूडेंट्स। फिर देखिए 3 नंबर में, आर द चिल्ड्रन गार्डन द इन। ओके, लिखा है देखो आर द चिल्ड्रन इन गार्डन द इन, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर इन द गार्डन। ओके, हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर, आंसर में हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर इन द गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए बुक हैज हु। तो इसको हम कैसे सीधा बनाएंगे, हु हैज ए बुक। यह बुक किसकी है ना स्टूडेंट्स। ओके, फिर देखिए हम लिखेंगे हु हैज ए बुक, यह बुक किसकी है। फिर देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर, माय इज पेन वेयर। हम लिखेंगे आंसर में माय पेन इज वेयर, है ना स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे इसमें इसका राइट आंसर ऐसा आएगा माय पेन इज वेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आर देयर मार्बल्स भरत स। ओके, देखो क्या लिखा है, आर देयर मार्बल्स भरत स, है ना स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको राइट करके दिस आर भरत स मार्बल्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, दिस आर भरत स मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, फुटबॉल प्लेइंग इज हु। इसका राइट आंसर हम इस तरह लिखेंगे हु इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कौन फुटबॉल खेल रहा है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में फुटबॉल प्लेइंग इज हु। हम लिखेंगे हु इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर, एट बलून मैन ए द इज फेयर देयर। ओके, इसमें लिखा है एट बलून मैन ए द इज फेयर देयर, तो आंसर में हम लिखेंगे देयर इज ए बलून मैन एट द फेयर, है ना स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे देयर इज बलून मैन एट द फेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 9, हरी स बाइसिकल दिस। ओके, इसमें लिखा है हरी स बाइसिकल दिस, हम लिखेंगे दिस इज हरी स बाइसिकल। ओके स्टूडेंट्स, हमको इस तरह इसका राइट बनाना है। नेक्स्ट है 10 नंबर, ए बैट हैज हु, है ना स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे इसमें हु हैज ए बैट, यह बैट किसका है। ओके स्टूडेंट्स,
देखो who a bat has who, तो हम लिखेंगे who has a bat, okay? नेक्स्ट देखो 12 नंबर, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। देखो हमको इधर एग्जाम्पल दिया गया है एक, उसी के आधार पर हमको इसका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, ओके? देखिए एग्जाम्पल में प्रश्न फर्स्ट है क्वेश्चन, रवि 10 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट, टेल मींस लंबा, ऊंचा, न्यू बैग, है ना स्टूडेंट्स? देखो हमको इतनी सारी चीजें दी गई है कि यहाँ पे रवि है, 10 इयर्स ओल्ड है और स्टूडेंट है और टेल है एंड न्यू बैग है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इस तरह हमको इसमें वाक्य बनाने हैं। जैसे रवि के बारे में लिखा है, रवि इज ए बॉय, ही इज ए 10 ईयर ओल्ड, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए टेल, ही हैज ए न्यू बैग। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमको बताया गया है रवि एक लड़का है और वह 10 साल का है और वह स्टूडेंट है और वह ऊंचा है और उसके पास नया बैग है। ओके देखो हमको बताया गया है, उसी तरह हमको ये कंप्लीट करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें दिया गया है पायल 20 इयर्स ओल्ड, टीचर थीन एंड कार। ओके सो इसमें हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम इस तरह बनाएंगे, पायल इज ए गर्ल, पायल क्या है, गर्ल है क्योंकि वो 20 ईयर की ओल्ड है, इसलिए हम लिखेंगे पायल इज ए गर्ल, शी इज 20 ईयर ओल्ड, वह 20 साल की है, शी इज ए टीचर, वह एक टीचर है, शी इज थिन, वह पतली है, हम लिखेंगे यहाँ पे शी इज थिन, वह पतली है, फिर लिखेंगे शी हैज ए कार, उसके पास कार है, है ना स्टूडेंट्स? तो हम इस पायल के बारे में इस तरह वाक्य बनाएंगे, पायल इज ए गर्ल, शी इज ए 20 इयर्स ओल्ड, शी इज ए टीचर, शी इज थिन, शी हैज ए कार। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट पेज में। ओके फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर पटेल 50 इयर्स ओल्ड, डॉक्टर, फैट एंड हॉस्पिटल। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसमें बताया गया है, इसमें मिस्टर पटेल हैं जो 50 ईयर ओल्ड हैं और डॉक्टर हैं और वो फैट मींस मोटे हैं और वो हॉस्पिटल है, उनका क्या है, हॉस्पिटल, तो हम लिखेंगे मिस्टर पटेल इज ए मैन, मिस्टर पटेल इज ए मैन, मिस्टर पटेल एक आदमी है, ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, वह 50 साल के हैं, ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ही इज ए फैट, वह बहुत मोटे हैं, ही हैज ए हॉस्पिटल, उनके पास हॉस्पिटल है, उनके पास क्या है स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल है। ओके सो हम इसका सेंटेंसेस इस तरह बनाएंगे, मिस्टर पटेल इज ए मैन, ही इज 50 इयर्स ओल्ड, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए फैट, ही हैज ए हॉस्पिटल। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, मिसेस पंड्या 30 इयर्स ओल्ड, सिंगर, शॉर्ट एंड कर्ली हेयर। ओके तो इसमें देखो हमको इसके वाक्य बनाने हैं इंग्लिश में, मिस पंड्या के लिए, मिस पंड्या 30 ईयर ओल्ड, सिंगर, शॉर्ट एंड कर्ली हेयर। ओके फिर हम लिखेंगे मिस पंड्या इज ए वुमन, मिस पंड्या इज ए वुमन, मिस पंड्या एक औरत है, मिस पंड्या कौन है, मिस पंड्या क्योंकि वुमन्स है, क्योंकि वह 30 ईयर ओल्ड है, इसलिए हम लिखेंगे मिस पंड्या इज ए वुमन, शी इज 30 ईयर ओल्ड, वह 30 साल की है, शी इज ए सिंगर, वह एक गायक है, वह क्या है स्टूडेंट्स, शी इज ए सिंगर, वह एक गायक है, शी इज ए शॉर्ट, शी इज ए शॉर्ट मतलब वो छोटी है, सी हैज ए कर्ली हेयर, शी हैज ए कर्ली हेयर। ओके हम लिखेंगे शी हैज ए कर्ली हेयर, उनके पास कर्ली हेयर है, मतलब जो गोल गोल थोड़े से बाल होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, वैसे कर्ली हेयर है। ओके हमने लिखा, देखो हम मिस पंड्या के बारे में ऐसे वाक्य बनाएंगे, मिस पंड्या इज ए वुमन, शी इज
शी इज 50 ईयर ओल्ड, शी इज ए सिंगर, शी इज ए शॉर्ट, शी हैज ए कर्ली हेयर। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको भी होमवर्क में अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 84 में क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 13 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।